दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बहुत सारी चोटें भी लगी है और वो फिलहाल देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। और जब से उनके एक्सीडेंट की खबर आई है, तब से उनको चाहने वाले हर कोई सोशल मीडिया पे उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। दोस्तों, इस एक्सीडेंट में जितना ऋषभ पंत का नाम सामने आया है, उतना ही नाम एक और शख्स का आया है जिन्होंने उनकी जान बचाई है। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार हैं। सुशील कुमार ने ऐसा काम किया है जो आजकल कोई भी नहीं करता है। और सुशील कुमार की इस दरिया दिली को देख के करोड़ों लोग और फैंस ऋषभ पंत के हैं जो उन्हें मैसेज कर रहे हैं। और सुशील कुमार ने ऋषभ पंत की तब मदद करी जब उनको ये भी नहीं पता था कि जिस शख्स की वो जान बचा रहे हैं वो और कोई नहीं, ऋषभ पंत है। दोस्तों, उनकी इसी दरिया दिली को देख के बहुत सारे लोग उन्हें तरह तरह के इनाम दे रहे हैं। बहुत सारी क्रिकेट बोर्ड हो या BCCI हो, उनको इनाम दे रहे हैं। कोई उन्हें पुरस्कार दे रहा है, कोई उन्हें पैसे दे रहा है। दोस्तों, अब ऐसी खबर आ रही है कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भी उन दोनों शख्स को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही है। अब ये बात कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये बात तो आगे देखने को पता चलेगा। लेकिन विराट कोहली के तरफ से अभी ऑफिशियली बयान कोई नहीं आया है कि वो प्राइज मनी देंगे या फिर कितना देंगे, तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ सुनने में जरूर आया है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटी आगे आ रहे हैं और बस ड्राइवर और कंडक्टर की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है, उनकी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी तो हो गई है फेस पे, लेकिन जो उनके पैरों में चोट लगी है उसके बाद अभी रिपोर्ट अच्छे से आई नहीं है। तब पता चलेगा कि वो कितने टाइम बाद क्रिकेट मैदान में उतर पाएंगे। और डॉक्टर का ये भी कहना है शायद 2 महीने के अंदर वो खेल भी सकते हैं। तो देखते हैं, अभी पूरी बातें, किसी को ऑफिशियली स्टेटमेंट किसी का नहीं आया है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और दोस्तों, सुशील कुमार जैसे लोग हो गए तो ऐसे एक्सीडेंट में बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या है कहना? आप सुशील कुमार के बारे में अगर कुछ हमें कहना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी।